हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं सबको वेलकम कर रही हूँ। गाइस, पता है आज अभी कितना, 1:10 हो रहा है, अभी मैं किचन में आई हूँ खाना खाने के लिए, क्योंकि दीपावली है, आज संडे था, पतिदेव का छुट्टी भी है, तो थोड़े सोचे दोनों मिल के करेंगे तो काम जल्दी जल्दी हो जाएगी, वरना पता नहीं कितने दिन तक लगे रहेंगे। तो इसीलिए आज काफ़ी लेट हो गई। मैं सब लोग नाश्ता कर लिए हैं, मैं अब जा रही हूँ। बस थोड़ा सा मैं, एक भूख लग गया है, मतलब 11-12 बजे के आसपास, तो मैं स्वीट पोटैटो लाई थी कल, उसको बॉयल की, फिर उसको खाई हूँ। अभी मैं अब जा रही हूँ खाना बनाने दोपहर का। ये बोले बाहर से ले आती हूँ, मैं बोले छोड़ो बना लेती हूँ चावल दाल ये सब सब्जी वगैरह, कुछ देखते हैं क्या बनाते हैं। तो आज मेरा किचन का देख सकते हैं, दिखाती हूँ बैक कैमरे से। ये हम और पतिदेव दोनों मिल के ऊपर से नीचे तक सारा झाड़ झूड़ कैसे सही कंडीशन में लगा लिए हैं, सब अभी खाली है। ये सारा डब्बा यहाँ से वहाँ तक भरा हुआ पड़ा है सब। ये सब पतिदेव साफ कर करके दिए, मैं धो धो के रखी हूँ, वीडियो बनाई हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ। अभी पहले देखिए गाइस, इतना सारा कबाड़ा निकला है और सानू कबाड़ा को छोड़िए। मम्मा देखो सामने झाड़ू चल रहा है तुमको। मम्मा यहाँ बैठ के काम कर, बैठ के सफाई भी चल रहा है, कचरा भी निकल रहा है। मम्मा यहाँ पे मेरे बचपन का कोई डिब्बा डुबड़ी नहीं है क्या? माँ, मेरे बचपन का कोई डिब्बा डुबड़ी नहीं है क्या? आपका भी है। कहाँ है? यही है। मम्मा, 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 दिखाते ही तब दिखाते हो। ढोल ढोल लग गए। खोलते देखो क्या है? खोलो। खोलो। मम्मा, मम्मा एक प्रिंसेस वाला था ना? सफाई मतलब 50% अब हो गई है, 50% बची है, 1 वीक है, मैं धीरे धीरे करके कर लूंगी। मैं तो 24 तारीख को मनाऊंगी, बाकी दीपावली, बाकी आप लोग की तरफ कब है किसकी, इधर तो आप लोग थोड़ा मुझे बताएंगे। तो इधर मैं जा रही हूँ पहले खाना खा लेने के लिए। मैं सुबह से खाई नहीं, गाइस बहुत तेज की भूख लगी है, क्योंकि यार संडे थी और ऐसे भी कार्तिक महीना है तो पूजा पाठ तो बनता है। तो चलिए फिर मैं खा के मिलती हूँ आप लोग से। हम पूरा थक गए बेटा, देखो इसमें पार्सल आया है कि खोलो। मानवी को अनबॉक्सिंग करने में, गिफ्ट खोलने में बहुत मजा आता है, पार्सल खोलने में। नहीं है गुड़िया, शोर देखिए ना, पहले खोलिए, अच्छा लगेगा तब ना लीजिएगा। देखिए पहले ऐसे क्यों करते हैं, चलिए ना खरीद देंगे आज मेरे पिक्चर में। देखिए सब पर्स हैप्पी हो गई मम्मी। कैसा है अजी? कल आप बोले थे ना मूवी देखने जाएंगे, देख रहे हैं ना, या घर में मूवी देख रहे हैं? देखो सफाई करना था ना बेटा, बाद में चलेंगे इधर। ये गाइस ये पहाड़ धुंधला क्यों दिखता है? थोड़ा बोलिए तो, कैसे बोले थे अभी? बोलिए बोलिए थोड़ा। अरे बोलिए, इंजीनियर साहब चुप क्यों? हम उतारेंगे कपड़ा और पतिदेव शांति को लेके आए हैं घुमाने। ईसानू के स्कॉट कहाँ चल गए ऊपर के, खाली टॉप लुथी पतंग खो गए थे। एसी के पास यहाँ पर कंप्रेसर के पास ये काला काला क्यों हो गया ऐसे? मानवी अकेले छत में दौड़ रही है। सुना आजा, क्या देखेगा हम लोग छत पे टहलने के लिए, बारिश लगा लेकिन हो नहीं रहा। दीपावली फेस्टिवल है ना जी, बड़ा थकने वाला फेस्टिवल। देखते हैं आदमी दीपावली के दिन तक सफाई करते रहता है, जब तक दीप नहीं जलता है, झाड़ू धो, बर्नी धो, ये धो, लोढ़ी धो, सिलौटी धो, केवाड़ी धो, चौकट धो, सब धुलाते रहता है, सब धुलाते रहता है, धुलाने वाला पर्व है दीपावली। कौन सा फेस्टिवल है सुना? फेस्टिवल ऑफ दीपावली, लाइटिंग, ओके, और फेस्टिवल ऑफ होली। मानवी, सानवी, कब है दिवाली?
कब है शाम को? 24 को है पक्का? ओके, पति देव हो गए हैं बूढ़े, ओल्ड मैन। दिखेगा इस विंडो पे वायल वायल पूरा, हाथ तो इसके अंदर नहीं घुसता, काफी मशक्कत से मैं इसको साफ की हूँ। अभी देख सकते हैं नीचे पूरा काला वाला हो गया था। वायल क्या है, वायल उड़ उड़ के पड़ रहा है ना, तो पूरा काफी ये विंडो में एकदम ब्लैक ब्लैक जहां तक हो सका है मैं इस सबको साफ की हूँ, जितना सकी हूँ, जितना हाथ मेरा जा सका है। बट क्या होता है ना, यहाँ पे ये एडजस्ट फैन मकान लगाना पड़ेगा। आज साफ कर दी हूँ, फिर एक रोज दीपावली से पहले मैं साफ कर दूंगी। तो मैं चकाचक पूरा कर ली हूँ किचन को। उधर छत पर से उधर जिधर महोत्सव देखने नहीं जाते थे, उधर बेजोड़ मतलब बाहर का इतनी अच्छी व्यू है जो बया भी फोन में नहीं कर सकते, और मुझे छोड़ के अंदर जाने की भी इच्छा नहीं हो रही है। कैसे बताऊं आप लोग से, कितनी अच्छी व्यू है अभी, सच पूछिए मन खुश हो जा रहा, लग रहा है यहाँ साउथ का सच में सबसे बड़ा पर्व लक्ष्मी पूजा मनाया जाता है। पूरा मार्केट गमगीन है एकदम, लग रहा है जहाँ वाकई में माता रानी का विसर्जन हो रहा है, पूरा देख सकते एकदम अजीब फीलिंग्स आ रही है, बहुत बेटर। चलिए छत से हम आप लोगों को दिखा सकते हैं, बस मुझे तो रूम के अंदर जाने का मन नहीं हो रहा है, इतनी अच्छी व्यू लग रही है। काश मैं भी उधर जाके देख पाती लेकिन नहीं जा रही हूँ क्योंकि मार्केट में है, इसे जा तो सकती हूँ बट पास में एकदम मेरा मार्केट ठीक मेरे सामने है, तो आपको मैं छत से थोड़ा कुछ व्यू दिखाती हूँ। देख सकते हैं कितनी खूबसूरत व्यू है, सब तरफ हर तरफ इतनी अच्छी विसर्जन मैं सच में नहीं देखी थी। 8 साल से मैं भी हूँ खुर्दा में, लेकिन इतनी अच्छी मार्केट के पास नहीं थी, इधर मोहल्ला में पता नहीं चल रहा था। देखिएगा आज रात सारा लग रहा है इधर यही नजारा रहेगा, ना मन बेचैन हो रहा है जाके देखू थोड़ा। देखिएगा कितनी खूबसूरत व्यू है यहाँ की खुर्दा की, डीजे बज रही है पूरा मार्केट, वाह देखो सुना। तो यहाँ पे आज लक्ष्मी माता की फाइनली गाइस विसर्जन हो रही है, ये जो कि पूर्णिमा से चल रही थी। यहाँ पे लक्ष्मी पूजा उसी दिन से स्टार्ट होती है, और ये प्रोसेस हम शाम 6 बजे से देख रहे हैं, शाम 6 बजे मार्केट की यहाँ की खूबसूरती इसी तरह बरकरार है, जा नहीं पा रहे हैं, मानवी भी सैड है इसके लिए। मम्मा तुम तो ले जा सकते हो स्कूटी से। हाँ वाह कितना मस्त लग रहा है, ये है लक्ष्मी माता सा पूरा मार्केट बेटा ऐसे ही। हाँ बहुत खूबसूरत लग रहा है बेटा। वाह जय लक्ष्मी माता जय, देखिए कितना खूबसूरत नजारा। अरे अरे क्या ऊपर ऊपर उड़ रहा है कुछ वहां पे, देखिए गाइस पूरा लक्ष्मी माता का विसर्जन से भरा है पूरा मार्केट, यहाँ पे काफी सुंदर विसर्जन काफी खूबसूरत तरीके से किया जाता है। देखिए यहाँ से हमको थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, कैप्चर कर रहे हैं। शान भी करे डैडू चलिए ना ऊपर से, वाओ कितना प्यारा लग रहा है मनु। देखिए गाइस बता नहीं सकते इतनी खूबसूरत लग रही है आज हमारी खुर्दा टाउन, लक्ष्मी माता की विदाई से इतनी खूबसूरत, उनके आगमन से कितनी खूबसूरत लग रही होगी आप लोग कल्पना कर सकते हैं गाइस। बहुत मन हो रहा है वहाँ जाके देखूं बट कैसे जाऊं, नहीं जा सकती हूँ इतना दूर। देखो यहाँ पर माता रानी जा रही है, देखो सामने मानवी बेचैन हो, इसीलिए तो आज मार्केट बंद कर दिया गया यहाँ का शाम से, ताकि विसर्जन अच्छे तरीके से किया जाए माता रानी का। नहीं तो पूरा एकदम चकाचक भरा हुआ है पूरा खुर्दा टाउन, और मैं मार्केट के एकदम पास में रह रही हूँ इसलिए मुझे पूरा ये हो रहा है। Hehehe
अरे कितना प्यारा व्यू दिख रहा है जानू, देखो सुबुई कैसे जल रहा है यहाँ पर, ऐसा लाइटिंग सिस्टम लग रहा है जब कूद रहा है सब, अपने आप में सब जंप कर रहा है, जंप। सानू को पापा गोदी में चढ़ा के दिखा रहे गाइस यहाँ पे। हाँ, लक्ष्मी पूजा यहाँ का फेमस होता है इसलिए देख सकते हैं। दुर्गा पूजा इतना फेमस नहीं है जितना लक्ष्मी पूजा यहाँ का फेमस है। नहीं जी, मुझे और लग रहा है गाइस, ये अजीब लाइटिंग है जी, देखिए ना कितना सुंदर दिख रहा है। हम छत से ही एंजॉय कर रहे हैं गाइस, क्या कर सकते हैं, जा नहीं सके हैं। लक्ष्मी मैया की जय। साल भर में आती है लक्ष्मी देकर जाती है ब्रो, जाती है। चलो गाइस, आप लोगों को पता है इधर साउथ में मतलब पूर्णिमा से ही ये लक्ष्मी पूजा हो जाती है, अभी तो यहाँ पे काली पूजा होगी तो आज सभी तरफ विसर्जन हो रहा है, और हमारे बिहार में तो अब दीपावली में लक्ष्मी पूजा होगा, तो हम लोग झाड़ साफ सफाई में जोरों शोरों से लगे हैं, तो मैं भी कर रही हूँ। मुझे ये समझ नहीं आता जो पहले से कर लूंगी फिर, तो अभी तो एक वीक बचा है, फिर भी थोड़ा थोड़ा करके कर रही हूँ। नहीं शानवी काफी एक्साइटमेंट है, रोज पूछती है मम्मा दीपावली कब है, पूछती हो शानवी? अब क्या पूछती है मम्मी से? तो एक्साइटेड इसलिए है क्योंकि हम चाहते हैं कि दीपावली में रंगोली कब लगाएंगे। देखिए, और मानवी चेयर में बैठ के व्हाइट बोर्ड पे वहाँ पढ़ाई कर रही है, झूठ बोलना गलत। तो गाइस चलिए, आज तो मैं सफाई कर रही थी तो पति ने मेरा काफी हेल्प किए, काफी मतलब कि उनकी छुट्टी था तो वो बोले थे चलो दोनों मिलके कर लेंगे तो फिर जल्दी हो जाएगी, तो फिर इसलिए हम दोनों मिलके किए। लेकिन बहुत कुछ आप लोगों को दिखा भी देते, बहुत लोग कुछ नहीं दिखाना चाहते क्योंकि आप लोग में से बहुत लोग होंगे जिनको अच्छा लगेगा, बहुत लोग कमेंट करेंगे जो अपने हस्बैंड से काम करवाती है, इसके हस्बैंड काम करते हैं वगैरह वगैरह, जिनकी जैसी सोच वो ऐसी लैंग्वेज बोलते हैं ना, तो ऐसा कुछ नहीं। हमारे फैमिली में मैं अपने ससुराल में देखती हूँ, मेरे फादर इन लॉ है, वो भी मेरी मदर इन लॉ का हेल्प करते हैं, इसका करना चाहिए ठीक ना। ऐसे भी मैं आप लोग को बताती हूँ, अकेले रहती हूँ बाहर में, और मेरी दोनों बेटियाँ हुई तो शानवी हुई तो 3 दिन बीतने के बाद मेरी मम्मी आई, और 6 दिन बीतने के बाद मेरी सासू माँ आई, और शानवी जब हुई तो शानवी में भी होने के 3 दिन बाद मेरी मम्मी आ गई थी, नहीं मानवी में 2 दिन बाद, शानवी में 3 दिन बाद, और उसके बाद फिर मम्मी 10 दिन में चली गई, लेकिन मानवी के टाइम में भी सासू माँ 6 दिन में आई, 10 दिन में चली गई, फिर अकेले उसके बाद मैं अकेले दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों बच्चे को पाली हूँ, तो हम लोग का आदत है अकेले रह के अकेले मिलजुल के करने की, ऐसे सबको करना चाहिए, बट कुछ लोग हैं जिनकी थिंक जो गांव में रहते हैं वो सास ससुर ननद देवर सबके बीच में रहते हैं, तो उनको सब हेल्प करने वाला होता है, तो वो लोग थोड़ा हाँ आपकी तो हस्बैंड कर देते हैं, उसकी तो हस्बैंड कर देते हैं, अरे जिसके साथ जो है वो कर देता है, आपके साथ सास है ससुर है ननद है देवर है जो भी वगैरह वगैरह होंगे फैमिली मेंबर वो करते हैं ना, क्या आप अकेले करती हैं? मेरे साथ मेरे हस्बैंड है, मेरे लिए सब कुछ वही है, मेरे सास मेरे ननद मेरे देवर मेरे माता मेरे पिता मेरे भाई मेरी भाभी सब वही है मेरे लिए, मेरे फ्रेंड सब कुछ, मेरे पति मेरे लिए सब कुछ है, पति परमेश्वर है मेरे लिए और दुनिया कुछ नहीं है मेरे लिए ठीक ना। एक मेरे माता पिता है और उसके बाद जो स्थान आता है वो मेरे पति का है, तो इसलिए हम दोनों मिलके कर लिए हैं। गाइस साफ सफाई थोड़ा ज्यादा लेक्चर हो गया मेरा, किसी लोग को अच्छा लगे किसी लोग को नहीं अच्छा लगे, तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो इतना ही रहने देते हैं, अभी तो कंटिन्यू वही सब चलेगा क्या शानवी? तो हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन तोड़ दीजिए। ऐसा तोड़ने के लिए क्यों कहती हो? प्रेस कर, हाँ प्रेस कर दीजिए। चलिए गाइस फिर से मिलते हैं, तो फिर कल मिलते हैं आप लोग से, फिलहाल के लिए मैं विदा ले रही हूँ, बाय बाय गाइस।